Hello dear students, as you know we are studying surface area and volume. In this chapter today we have to study about the sphere, another solid shape. Up to date हमने पढ़ा है क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर एंड कोन. एंड टूडे वी हैव टू स्टडी व्हाट द स्फेरिकल शेप इज. सो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट आई विल ड्रॉ द स्फेरिकल शेप. दिस इज अ स्फीयर. मैं आपको बता दूंगा, यू हैव टू टेक टू बैंगल्स, बुंगड़ीज निमोज, दो चूड़िया हम लेंगे, एक ऐसे है और दूसरे ऐसी भर देंगे इसमें, तो ये हम बना सकते हैं स्फीयर. आपके पास बॉल है, दैट इज अ स्फेरिकल इन शेप, है ना बेटा. तो स्फीयर की डेफिनेशन क्या है ये हम यहां लिखेंगे. इट इज अ सॉलिड शेप having only one face. It is a solid shape having only one face, and that too is curved. ये सिर्फ एक ही फेस है इसका, और वो फेस भी curved फेस है. ये है सॉलिड स्फीयर. इट इज अ सॉलिड शेप हैविंग ओनली वन फेस एंड दैट टू इज कर्व्ड. सो इट्स कर्व्ड सरफेस. सो इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू इट्स टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया, जबकि इसका एक ही फेस है और वो है कर्व्ड फेस. जो कर्व्ड फेस का एरिया आएगा उसमें तो वही टोटल सरफेस एरिया भी आता है. देयरफॉर इट सिंपली इज कॉल्ड सरफेस एरिया. तो इसलिए इसके टोटल या कर्व्ड सरफेस एरिया को हम सिंपली सरफेस एरिया कहते हैं. देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. तो इसलिए स्फीयर का सरफेस एरिया बराबर होता है 4πr². यही तो इसका कर्व्ड सरफेस है और यही तो इसका टोटल सरफेस एरिया है. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4πr² स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3πr³. सो द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला इज 4/3πr³. दिस इज अबाउट स्फीयर. नाउ अनदर सॉलिड शेप दैट वी हैव टू स्टडी टूडे, वी हैव टू डिस्कस इज हेमिस्फीयर. अनदर इज नाउ हेमिस्फीयर. देखो बेटा, हेमि जो वर्ड है इसका मतलब हो गया हाफ, एंड दिस हेमि वर्ड इज मेंट फॉर सॉलिड शेप्स. ये सॉलिड शेप्स के लिए हम हेमि यूज करते हैं. आपने इससे पहले एक और वर्ड देखा है जिसको हम सेमी कहते हैं, तो सेमी का मतलब भी हाफ ही होता है. बट दिस सेमी वर्ड इट इज मेंट फॉर प्लेन फिगर्स. ये प्लेन फिगर्स के लिए यूज करा जाता है सेमी वर्ड. और हेमी वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? सॉलिड के लिए. तो इस तरह से आज का जो हमारा ये पॉइंट हेमिस्फीयर है, तो आप जान गए अब ये स्फीयर का हाफ होता है. तो स्फीयर का हाफ या हेमिस्फीयर जब आप ड्रा करेंगे तो वो इस तरह होता है. ये है हेमिस्फीयर.
इस हेमिस्फीयर के दो फेसेस होते हैं, एक तो इसका कर्व्ड फेस है और एक तो इसका सर्कुलर फेस है। मैं यहां पर आपको दिखाऊंगा, लेट अस सपोज इट इज अ सॉलिड स्फीयर, दिस इज सेंटर ऑफ द स्फीयर, दिस इज डायमीटर ऑफ द स्फीयर, दिस इज रेडियस एंड दिस इज रेडियस, दिस ऑल्सो इज द डायमीटर ऑफ स्फीयर, दिस इज रेडियस एंड दिस इज रेडियस। डायमीटर ऑफ स्फीयर कैन बी टेकन एज हाइट ऑफ द स्फीयर ऑल्सो, समझ गए ना आप। तो इसी तरह से ये सर्कुलर फेस है, लेट अस सपोज इट इज डायमीटर, सो हाफ ऑफ डायमीटर दिस इज रेडियस एंड दिस ऑल्सो इज रेडियस। ये मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, अगर हम इस स्फीयर का ये हाफ कट करेंगे तो यहां पर जो ये बचता है दिस इज कॉल्ड हेमिस्फीयर एंड दिस इज द हाइट ऑफ हेमिस्फीयर। स्फीयर का जो हाइट था दैट वाज इक्वल टू डायमीटर, और हेमिस्फीयर की जो हाइट है दैट इज इक्वल टू इट्स रेडियस। तो यही मैं बताने जा रहा हूं, ये अगर इसकी हाइट है एंड दिस हाइट विल बी इक्वल टू रेडियस, देन आफ्टर यू हैव टू राइट इट इज डेफिनेशन। अब समझ गए ना व्हाट आई सेड, दिस इज ऑल अबाउट अ हेमिस्फीयर। तो लिखो बेटा इसका अब डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन ये बनेगी, इट इज अ सॉलिड शेप हैविंग टू फेसेस, वन कर्व्ड एंड अनदर सर्क्यूलर, वन कर्व्ड एंड अनदर सर्क्यूलर, द हाइट ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू इट्स रेडियस। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, देखो बेटा मैंने कहा स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया है 4πr², तो हेमिस्फीयर का इसका हाफ बनेगा दैट इज 2πr², बट दिस हेमिस्फीयर इज हैविंग वन मोर फेस, जैसे कि यहां पर मैं बना रहा हूं ये हेमिस्फीयर, ये कर्व्ड फेस का एरिया आ गया 2πr², लेकिन ये जो सर्कुलर फेस इसके ऊपर है तो इसका एरिया है ना πr², तो टोटल सरफेस एरिया जो इसका आएगा दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ रिमेनिंग फेसेस, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ रिमेनिंग फेसेस। कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2πr² प्लस रिमेनिंग फेस का एरिया है πr². हाउ मच इज दैट, 2πr² प्लस 1πr² इज 3πr². नाउ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अगेन इट इज हाफ ऑफ स्फीयर। अगर स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3πr³ तो इसका बनेगा हाफ, हाफ इसका ऐसे होता है 2 × 2 = 4 एंड दैट बिकम्स 2/3πr³। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। दिस वॉज अबाउट द अनदर सॉलिड शेप। नाउ इन योर सिलेबस वी हैव अनदर सॉलिड शेप दैट इज फ्रस्टम ऑफ अ कोन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी न्यू हियर इन दिस चैप्टर, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस एंड वी विल डिराइव ऑल दैट वॉट इज इन फ्रस्टम ऑफ अ कोन। टिल देन अल्लाह हाफिज़।